Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I really hope all are you doing great. ये 28 अगस्त का ब्लॉग है. मैंने कल कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था. आई एम सो सॉरी उसके लिए. और मैंने जो भी टारगेट किया था बनाया था कल, मैंने पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था. सो ये जो है ना, मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ. सबसे पहले जेनेटिक्स में जो कुछ भी मैंने पढ़ा हुआ था सारे रिवाइज़ किया अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं देखने जा रही हूँ लेक्चर. और जो जेनेटिक्स के लेक्चर हैं वो आज मैंने 4 देखे हैं, लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11. तो मैंने 8 वाला स्टार्ट कर दिया है. और इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूंगी कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना बचा हुआ है और मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को सिलेबस भी तो पता होना चाहिए. तो मैं पहले आप लोग को सिलेबस बता देती हूँ कि कितना मेरा आ रहा है. तो फिज़िक्स में आ रहे हैं 3 चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक और चैप्टर सर्कुलर मोशन. ठीक है, इनमें से मेरे जो कंप्लीट हो गए हैं वो 2 चैप्टर हैं, मैग्नेटिक और वर्क पावर. और केमिस्ट्री में आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है और इक्विलिब्रियम मेरा बचा हुआ है. सॉरी, दोनों इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, आयनिक भी और केमिकल भी. ठीक है, तो मेरे अभी ये तो बचे हुए हैं, पता नहीं मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, बट ट्राई करेंगे कि अच्छे से कंप्लीट कर ही लूँ. और बायोलॉजी में आ रहे हैं जेनेटिक्स का 1st चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें से मैंने बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म कर ली है, एनसीईआरटी से ही पढ़ी हुई है, और प्लांट ब्रीडिंग भी कंप्लीट कर ली है. जेनेटिक्स का 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के बचे हुए हैं जो कि मैं 1 सेप्टेम्बर 2 सेप्टेम्बर में निपटा लेंगे. यानी कि बायोलॉजी मेरी अच्छे से कम्प्लीट हो चुकी है, बचा हुआ है मोस्टली वो है केमिस्ट्री का पोर्सन. अब वो पता नहीं मैं कैसे कम्प्लीट करूँगी, पर मैं टेस्ट तो देके ही रहूँगी, टेस्ट स्किप नहीं करेंगे. कुछ तो मैं लेक्चर देख के सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ टेस्ट का, और किसी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, नोट्स पढ़ रही हूँ, दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. बट जो मोस्ट प्रायोरिटी है वो है मेरी एक्सरसाइज 1, 2. ये जो है एलिन के मॉड्यूल से मैं फुली सॉल्व करके जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ कोई भी. अगर उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो एक बार वो ज़रूर सॉल्व करना चाहूँगी मैं. यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे परेशान कर रही है, बोल रही है बाहर चलो. मैं बोल रही पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं फिर चलते हैं बाहर. तो मैंने 8 और 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. 10वां मैंने स्टार्ट किया, 10वां, वाह वाह वाह, लेक्चर नंबर टेन मैंने स्टार्ट कर दिया. और मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, बट बीच में मैंने शूट नहीं किया है. लेक्चर आपको बाद में दिखा दूंगी. फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर कुछ खाने पीने के लिए गई थी, क्योंकि बस मुझे आज ही खाना है, मतलब 28 अगस्त को ही खाना था. उसके बाद मुझे रक्षाबंधन पर भी बहुत कुछ कुछ खाना है. फिर देन 1 सेप्टेम्बर में कुछ बाहर का नहीं खाऊँगी, बहुत स्किप करूँगी मैं. 1 बजे वापस आई, फिर मैंने अपना स्टार्ट किया लेक्चर नंबर 11, जो कि लास्ट बचा हुआ था बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि 4 ही टारगेट थे. तो अब ये लास्ट टारगेट था बायोलॉजी का, तो इसको ख़त्म किया. आज मैं 4 बजे उठ गई थी. तो आज काफ़ी दिन अच्छा गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है. अब खूब इंजॉय करेंगे 30-31 तारीख को, जिससे क्या हो कि मैंने ये भी सोच लूँ कि बहुत पढ़ाई कर ली है, अब इंजॉय करना बनता है. फिर उसके बाद लग जाएंगे, जुट जाएंगे अच्छे से पढ़ने में, सारा सिलेबस कम्प्लीट करने में. और आप लोग भी ऐसा ही करना है, फालतू में टेंशन मत लेना, अच्छे से इंजॉय करो, चिल होकर पढ़ा करो. क्योंकि जितना हम लोग स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करते हैं ना, उतना ज़्यादा इफेक्टली पढ़ सकते हैं. और जितना टेंशन लेके पढ़ते हैं कि क्या होगा ज़िंदगी में, मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, मैं इतने साल का हो गया उतने, अरे भाई ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं. बस जितना पढ़ो इतने शिद्दत से पढ़ो कि ये टॉपिक मेरा रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं. थोड़ा सा मैं आप लोग से कुछ बातें